आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम, यस आवाज आ रही है? आ सर। रही है? एक बार यस बोल दीजिए। जिस आवाज आ रही है ना सबके पास? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा पहला पार्ट चल रहा था कौन सा? सुभाषित आनी, ठीक है ना। इसमें अपन ने 3 श्लोक पढ़ लिए थे। पहला क्या था? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञाम विधीयते। मतलब क्या था? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था जब मैंने आपको बताया था? पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न, अच्छे वचन है। मूर्ख लोग सोने मूर्ख को लोग चांदी सोने मानते की हैं, धरती पृथ्वी को को ही ही रत्न रत्न मानते हैं। मानते उन पत्थर की चीजों को रत्न मानते हैं। हाँ, पत्थर। मूर्ख लोग जो है वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न के नाम या रत्न की संज्ञा मानते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन या सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख लोग जो है वह पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा मानते हैं। सेकंड था सत्येन तप्ते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम्। इसका मतलब क्या था? सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य के द्वारा ही सूर्य चमकता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सब कुछ के लिए सत्य ही जरूरी है। सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य चमकता है, सत्य से ही वायु बहती है। इस संसार में जो कुछ भी है वह सत्य से ही प्रतिष्ठित है। फिर तीसरा अपन ने पढ़ा था दाने तपसी सौर्य विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका मतलब क्या था? मैम, इसका अनुवाद नहीं लिखवाया था आपने? नहीं लिखवाया था? लिखाया नो मैम। तो था ना। मैम, तो क्या बताया था? दाने दान में, तप से तप में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनय में, नए नीति में। दान में, शौर्य में, तप में, विज्ञान में, विनय में, नीति में। विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत से रत्नों को धारण किए हुए है, बहु रत्नों वाली है। ठीक है, समझ में आ यस गया? मैम, यस मैम। साथ में लिखवा दूंगी मैं फिर, लेकिन मैंने लिखवाया तो था थर्ड वाला, आपने लिखा नहीं होगा। नहीं लिखवाया था। चलो फिर चौथा है अपना, थर्ड नहीं है ये, फोर्थ है। सद्भिरेव सह आसीत सहासीत, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। सह आसीत सद्भिरेव सज्जन। सद्भि का मतलब क्या होता है? सज्जन, जो अच्छे लोग होते हैं। सज्जन लोगों के साथ ही आसीत रहना चाहिए। सद्भि कुर्वती संगीतिम, सद्भि सज्जन लोगों के साथ ही कुर्वीत करनी चाहिए। संगीतिम मतलब मित्रता, संगति मतलब सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, और आप विवाद भी करो, झगड़ा भी करो, तो भी किससे करना चाहिए? अच्छे लोगों से, सज्जन लोगों से ही करना चाहिए। मैत्री च,
और मित्रता भी सज्जन लोगों से ही करनी चाहिए, ना असद भी। और जो असज्जन लोग हैं, जो लोग बुरे लोग हैं, उनके साथ किंचित समाचरित कुछ भी नहीं करना चाहिए। दोबारा देखो, सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद ना झगड़ा करना चाहिए, ना असद भी। जो सज्जन नहीं है उनके साथ किंचित समाचरित कुछ भी नहीं करना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। दोबारा बताओ। नो मैम। देखो, सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद झगड़ा भी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए, मैत्री चय और मित्रता भी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए, न सद भी किंचित समाचरे। जो लोग सज्जन नहीं है, असज्जन लोग हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिसके पास बुक नहीं है ना, वो श्लोक पूरा लिख लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना रफ में, ठीक है ना। इसका अनुवाद देखो, अच्छा बताओ, मैंने इसका क्या बताया? सद्भी रेव सह आसीत, क्या बताया था इसका? सज्जन लोगों के साथ ही साथ में रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही। मैंने इतना ही सुना। सज्जन आसीत का मतलब था सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संगति पहला है, सज्जन लोगों के साथ, लोगों के लोग साथ ही रहना चाहिए, रहना चाहिए चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही संगति, संगति, संगति का मतलब क्या होता है? जो किसी के साथ अपन कार्य करते हैं ना, उसके संगति में है, है ना, साथ रहना या रहना या उसके साथ में संगति करना, जो भी कार्य वगैरह उसके साथ में करना है, तो सब कुछ हमें किसके साथ करना चाहिए? जो अच्छे लोग हैं उनके साथ ही करना चाहिए। बुरे लोगों के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, कोई बताएगा? बुरे लोगों से अपन मित्रता करेंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं करनी चाहिए? बोलो मैम। बुरे लोग हमें दुखी कर देते हैं, क्या हो जाता है? हम दुखी हो जाते हैं। फिर दुखी नहीं हो जाते, कहा जाता है ना, हम भी बड़े अपने घर वाले अपने को कहते हैं ना कि जिसके साथ जैसा रहता है वो लोग वैसे ही हो जाते हैं, है ना। आपकी आपके जो फ्रेंड होंगे आप वैसे ही हो जाओगे, बुरे हो जाते हैं। इसकी संगति में हम रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे, तो अगर हम बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। बुरे जो लोग होते हैं ना, उनसे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के। मैम हेड के लिए कितनी लाइन छोड़े? किसके लिए? हेड के लिए 5 लाइन छोड़ो, ठीक है। जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, करनी चाहिए।
असज्जन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना चाहिए असज्जन लोगों के साथ। कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको ये वाला श्लोक समझ में आ गया होगा। यस मैम, आ गया ना? यस सर, समझ में। यस मैम, समझ में आ गया। दोबारा देखो मेरे साथ बोलना, जैसे मैं संस्कृत बोलू सिर्फ उसी की ही हिंदी बतानी है आपको, ठीक है? तदबीर एव सह आसीत, साथी रहना चाहिए, साथी रहना चाहिए। तद्भिर संगतिम, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। तद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सत्विम किंचित समाचरे, सज्जन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा ना कि अपन आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं? यस मैम। ये लिख लिया क्या? ऊपर वाला लिख लिया? यस सर। लोग श्लोक मिटा दूं क्या? यस मैम। जब आपसे कुछ पूछा जाए ना तो ही अनम्यूट म्यूट किया करो, वरना म्यूट रखा करो। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः धन्धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च धन्धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में क्या नहीं करना चाहिए? आहार और व्यवहार में, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा लज्जे, सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य का प्रयोग करने में, मतलब किसी के पास बहुत सारा धन है, वो इकट्ठे किया जा रहा है और उसको खर्च नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। विद्यायाः संग्रहेषु च, धन और धान्य का प्रयोग में और विद्या का संग्रह। अगर किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है ना, तो उस वो ऐसे है कि मेरा ज्ञान है, मैं किसी को बताऊंगा तो मैं क्या, मेरा ज्ञान वापस चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। हम जिसको अपना ज्ञान देते हैं वो ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो धन धान्य, अगर किसी के पास बहुत सारा धन है तो उसका प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार, अगर किसी को भूख लग रही है तो भोजन मांगने में, है ना,
व्यवहार और व्यवहार करने में, किसी से अच्छा व्यवहार करने में त्यक्त लज्जा है, लज्जा का त्याग करके इसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति इसका त्याग कर देगा लज्जा का, तो वो क्या बन जाएगा, सुखी हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा ना? सेकंड वाली समझ में आ गई, फर्स्ट वाली नहीं आई। कुछ कुछ समझ में आ गया, कुछ कुछ नहीं आया ना। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के, धान्य मतलब अनाज जो होता ना उसके प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, और चय का मतलब क्या होता है, और विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे चय, आहार और व्यवहार में, भोजन करने में और किसी के साथ व्यवहार करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए हमें। भाई किसी के पास बहुत सारा धन है ना, किसी के पास बहुत सारा अनाज है, तो उसको प्रयोग करने में क्या उसको शर्म करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। तो इन सब के प्रयोग में वो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, मतलब लज्जा छोड़ देता है, शर्म छोड़ देता है, वही मनुष्य क्या बनता है, सुखी बनता है। दोबारा देखो, धन और धान्य के प्रयोग का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार भोजन करने में, व्यवहार किसी के साथ आचरण करने में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वह सुखी होता है। आप समझ में आया? Yes, ma'am. देखो इसका एकदम से हिंदी अनुवाद देख लो पहले, फिर इसका भावार्थ मैं आपको बता देती हूँ। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में, और ये चय है इसका यहाँ और आएगा, और विद्या का संग्रह में, आहार में, व्यवहार में लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति ही हमेशा सुखी रहता है। अब आ गया समझ में? Yes, ma'am. इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है वो देखो। धन और धान्य, किसी के पास बहुत सारा अनाज है, किसी के पास बहुत सारा धन है, तो वो क्या उसको रखे रखेगा, उसका उपयोग नहीं करेगा, करना चाहिए ना उसको उसका उपयोग। तो उसका उपयोग करने में और विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान कहा मतलब जितना भी ज्ञान हम ले सकते हैं, हमें कहाँ से भी मिले ज्ञान, हमें छोटे भाई बहनों से भी हमें अगर ज्ञान मिले तो हमें वो ज्ञान ले लेना चाहिए, है ना। तो विद्या का संग्रह करने में, ज्ञान का संग्रह करने में, आहार में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, शर्म को छोड़ देता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। अब आ गया समझ में? Yes, ma'am. आप लिखा दो इसका अनुवाद। Yes, ma'am. ये वाला लिख लिया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. लिख लिया ना? धन और धान्य के प्रयोग में, चय का मतलब क्या बताया मैंने आपको, और विद्या के, विद्या की जगह आप ज्ञान लिख लो, ज्ञान के संग्रह में आहार में और व्यवहार में लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी
रहता है। धन और धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। आगे समझ में? यस मैम। यस मैम। थर्ड का अनुवाद लिखा दोगे इसके नीचे? इसके नीचे यस मैम। थर्ड का अनुवाद लिखा देती हो ना? ठीक है मैम। क्या था थर्ड वाला? ज्ञाने तपसी वो वाला था क्या? मैम नो मैम। दिख रहा है ना यहाँ से? यस मैम। आ रही है ना सबके पास? दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नए का मतलब क्या बताया था? नीति। और नीति, नीति में क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य। आश्चर्य, वेरी गुड। आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? क्या है हमारी पृथ्वी? सारे रत्न हैं, बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है। आज हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? सद्भिरेव सह आसीत। सद्भिरेव सह आसीत। सद्भिरेव सद्भिरेव आदम मैत्रीं च नास्तिव है किंच। मैं संस्कृत में बोल रही हूँ, आप हिंदी बोल रहे हैं ना? सद्भिरेव सह आसीत, सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। है ना, मित्रता और विवाद भी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। सत्यम किंचित समाचरेत, असज्जन लोगों के साथ भी, असज्जन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, व्यायाम संग्रहेषु च, और ज्ञान के संग्रह में, और विद्या के ज्ञान के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार में लज्जा का त्याग करने वाले ही व्यक्ति सुखी हमेशा सुखी रहता है। लज्जा का त्याग करने वाला व्यक्ति ही हमेशा सुखी रहता है। सुखी रहता है, दान में आएगा ना। हाँ, थर्ड का अनुवाद बताना। दाने, दान में बाद में, तप में,
ज्ञान में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे सबसे पहले अपने पढ़ा था पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि। जितना मैं संस्कृत बोलूँ ना सिर्फ उतनी ही संस्कृत हिंदी बतानी है आपको, है ना। पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी तीन रत्नों की है, तीन रत्न है। अन्नम सुभाषितानि, जल अन्न और अच्छे वचन है, जल अन्न और सुंदर वचन, मधुर वचन। मूढ़े मूर्ख लोग, पत्थर के टुकड़ों आदि को रत्न मानते हैं, रत्न की संज्ञा मानते हैं। सत्येन तप धारयते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की गई है, सत्य से ही पृथ्वी तपती है, सत्य से ही पृथ्वी तपती है, सूर्य चमकता है, सत्य के द्वारा ही सूर्य चमकता है, सत्य से ही सूर्य चमकता है, चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वे सत्येन प्रतिष्ठितम्, हमारे पृथ्वी पर सब जो स्थापित है सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है, सत्य से ही प्रतिष्ठित है। इतने जो अपन ने पढ़े वो सबको समझ में आ गए क्या? यस मैम, समझ में आ गए, याद भी हो गए होंगे। यस मैम, याद भी। चलो आप मुझे बताओ हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के रत्न पाए जाते हैं? मधुर वचन, अच्छे वचन, जल अन्न और अच्छे मधुर वचन, मधुर वचन, जल अन्न और अच्छे। मूर्ख लोग किसको रत्न मानते हैं? मूर्ख लोग, मूर्ख लोग टुकड़ों को मानते हैं, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। सूर्य किसके द्वारा चमकता है? सूर्य के द्वारा चमकता है। वनवर्ण में आंसर देना है, ठीक है? सूर्य चमक, वनवर्ण का नेम। किसके द्वारा धारण की जाती है? पृथ्वी के द्वारा। सत्य के द्वारा क्या बहती है? वायु। वायु संसार में सभी किसके द्वारा प्रतिष्ठित हैं? सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा। दान में विज्ञान में, विनय में, नीति में, तप में और शौर्य में हमें क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे बहुत से रत्नों से धारण करने वाली है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है। किसके साथ रहना चाहिए? संगति किसके साथ करनी चाहिए? सज्जन लोगों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद और मित्रता करनी चाहिए। साथ हमें क्या करना चाहिए? विवाद और मित्रता, कर में मित्रता करना चाहिए, ठीक है। किसके प्रयोग में हमें लज्जा का त्याग करना चाहिए? धन, धन और धन के प्रयोग में, व्यवहार में। ये एक श्लोक और बचा है अपना, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है सारा पूरा समझ में आ गया ना? यस मैम, यस मैम। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस मैम। मैं अभी जा रही हूँ। हाँ हो गया ना? अभी जा।
पांच मिनट हो रहे हैव अ नाइस डे मैम क्या उन 10 मिनट हैव अ नाइस डे करने के लिए क्या इन सब डालने के लिए क्या अगर ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आज उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं हम समझ में आ गया शब्दार्थ करने हैं क्या शब्दार्थ कल करवा ठीक है मैम पूरा श्लोक ही अपन ने कर लिया इसमें जितने भी शब्द हैं उनका मतलब पता चल गया ना यस मैम ये तो शब्दार्थ है जैसे इसमें आपके आएगा त्यक्त लज्ज है ना तो उसका मतलब क्या होगा व्यक्ति को लज्जा नहीं करनी लज्जा का त्याग करने वाला है ना लज्जा का त्याग बस यही शब्दार्थ होते हैं जैसे ये आ गया आहारे आहार में व्यवहार व्यवहार में धन धान्य प्रयोग में धन और धान्य के प्रयोग में विद्या संग्रह धान्य के प्रयोग में संग्रह में यही शब्दार्थ के संग्रह में पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया तो शब्दार्थ तो याद अपने आप हो गए है ना यस मैम यस मैम ठीक है यस मैम ओके टेक केयर बाय थैंक यू मैम